दोस्तों आज मैं आपको आरआरसी ग्रुप डी के उस टॉपिक से अवगत कराने जा रहा हूं जिसके प्रश्न लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और 100% बच्चों के पेपर में इन प्रश्नों से उनका सामना हो रहा है। तो मैं आज आपको शांत और अशांत दशमलव पर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आपको सिर्फ यही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्लास पूरी अच्छे से समझनी है, तो आपको ऐसे जो कि शांत और अशांत दशमलव पर आधारित प्रश्न होते हैं ना समस्याएं होंगी और ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं शांत दशमलव की बात करता हूँ, शांत दशमलव हो या फिर अशांत दशमलव हो, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन लिख दी 17/, नीचे में मैं लिख देता हूं 10, तो इसका मतलब यह है कि मैं 10 से 17 को विभाजित करूंगा। आप देखिए 10 एकम 10, यहां पर 7 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 10 सत्ते 70, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो शांत दशमलव में क्या आपने सीखा, शांत दशमलव में सीखा कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो एक स्थान पर एक निश्चित अंक लेकर रुक जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद अंक कुछ समय तक रिपीट हो फिर रुक जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, शांत दशमलव। इस चीज का याद रखना है कि दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट ना हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। मैं अगर अशांत दशमलव की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 17/6, इसका मतलब यह है कि 6 से मुझे 17 को विभाजित करना है। तो आप देखिए 6 × 12, 5 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, क्या होगा, 6×8 = 48, 2 बचेगा, फिर एक 0 लगा लेंगे, फिर 6×3 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 6×3 = 18। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो 3 है ना ये बार बार रिपीट होगा। तो जिस भाग में, जिस दशमलव में दशमलव के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगता है सेम अंक, उनको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं, और जिनमें दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होते हैं उनको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव जो होता है जिसमें नंबर बार बार रिपीट करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हिंदी में इसका एक नाम और होता है जिसे हम लोग आवर्ती दशमलव या आवर्ती अंक या आवर्ती भिन्न भी कहते हैं, ठीक। शांत दशमलव होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉन रिकरिंग नंबर्स, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से अपना फोकस करिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सवालों को आपको कराऊंगा तो आप बहुत आराम से और बहुत प्यार से सवाल कर लेंगे, ठीक, ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज देखी कि शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव हो, ये भिन्न में दिए रहते हैं। ये होते क्या है, ये भिन्न का किसी भी फ्रैक्शन का, भिन्न का दशमलव में जो रूपांतरण होता है उसी को हम लोग शांत या अशांत दशमलव कहते हैं। दशमलव रूपांतरण ही क्या कहलाता है, शांत या अशांत दशमलव। इस रूपांतरण के दो हिस्से हो जाते हैं, शांत और अशांत, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखो शांत दशमलव में मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो अगर मैंने एक भिन्न लिख ली, सपोज करिए मैंने लिख लिया 17/ में, या मैं लिख लेता हूं 23/4। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा, तो बच्चे अभी तक क्या करते हैं, पूरा विभाजन, पूरा डिवीजन करते हैं और उसके बाद उत्तर निकालते हैं। मैंने यहां पे पूछ दिया, मैंने यहां कह दिया 23/6 या 23/7, शांत दशमलव या अशांत दशमलव। अब आपके नीचे उसके लिखा हुआ है तो आप आसानी से उत्तर दे पाओगे, अगर एक साथ लिखा होता तो उत्तर देने में थोड़ी सी तकलीफ होती। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसकी ट्रिक क्या होती है। देखिए आप देखते ही उत्तर बता सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, क्या ट्रिक होती है, इसको मैं बीच में लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें बहुत बेहतर ढंग से दिखाई दें। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक। ट्रिक ये कहती है कि अगर आप किसी
भिन्न को देखते हैं और आपको ये बताना है कि वो शांत दशमलव है, तो आप ये देखोगे कि इसके हर में किसमें, हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, हर में, इस बात को केवल याद रखिए, आप चुटकियों में 2 सेकंड में आंसर बता देंगे, हर में 2 आ सकता है या 5 आ सकता है या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, या तो 2 हो गुणनफल के रूप में, गुणज के रूप में, या तो 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों हो सकता है। उसे हम लोग किस कैटेगरी में ले आएंगे, शांत दशमलव की। अशांत दशमलव की ट्रिक यह होती है कि 2 और 5 के अलावा, किसके अलावा, 2 और 5 के अलावा, इसके अलावा यदि और कोई संख्या आती है, संख्या आए तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत। फिर से एक बार समझिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको बता रहा हूं, शांत दशमलव आप उसे कहेंगे जिसके हर में या तो 2 का मल्टीपल हो, या तो वो 5 का हो, या फिर 2 और 5 दोनों का हो, वो किसमें आ जाएगा, शांत दशमलव में। अशांत दशमलव में 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो उसे हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूं, सिखाता हूं और दिखाता हूं, ठीक। जैसे मैंने यहां पर लिखा 120 बटे में नीचे लिख दिया 50 और 1 लिखा कॉमा करके यहां पर कि 130 बटे 57। क्या लिख दिया, 130 बटे 57। अब मैं पूछ रहा हूं इनमें कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा, तो आप ये कहेंगे, बहुत प्यार से समझिएगा कि सर अगर मैं 5 को देखता हूं तो ये 2 का भी गुणनफल होता है, गुणज होता है, सर ये 5 का भी होता है, तो 2 और 5 के अलावा किसी का गुणज होता है। बोले सर नहीं, 2 और 5 के अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं 50 को फैक्टर करता हूं, समझिएगा बहुत प्यार से, तो 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5, फिर 5, फिर 1, तो 2 और 5 के अलावा इसमें और कोई भी संख्या नहीं आई है। तो अगर ये सिर्फ 2 और 5 का गुणज है 50, तो आप सीधे कहेंगे कि सर ये जो होगा ये शांत दशमलव होगा, ये क्या होगा, शांत दशमलव, ठीक, यानी कि अनावर्ती, नॉन रिकरिंग। इसको देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें क्या क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें ना 2 आ रहा है 57 में, ना 5 आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी डिजिट दिख जाएगी तो वो अशांत दशमलव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 57 के लिए भी करके दिखा देता हूँ, 3 से विभाजन करेंगे तो 19 बार होगा, और फिर ये 19 से डिवाइड होगा तो 1 बार हो जाएगा। तो ना इसमें 2 आया ना 5 आया, उन दोनों में से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अशांत दशमलव, यानी कि आवर्ती दशमलव। अशांत दशमलव को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग यानी कि आवर्ती दशमलव, ठीक। मुझे लगता है कि ये मेरी पूरी बात जो ट्रिक थी आपने सीख ली होगी। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं, ठीक। जैसे ये पहला प्रश्न है आपके सामने जो कि ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था, इसमें बस सिंपल से एक यही बात पूछी गई थी, किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। इस बात को देखिएगा, शांत दशमलव प्रसार, एक सवाल, दो सवाल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद आप लोग भी उत्तर दें मेरे साथ साथ। शांत दशमलव में क्या याद आया आपको, कि सर 2 हो या 5 हो हर में, या फिर 2 और 5 दोनों हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव, यानी कि या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो किस में चला जाएगा, अशांत दशमलव में। तो हमको इसको देखना है। तो पहली भिन्न अपने पास क्या है, पहली भिन्न अपने पास है सर 57 अपॉन, अब एक काम और कर लीजिएगा, 57 अपॉन 120। जो भी भिन्न आपको दी है सबसे पहले तो उसको मिनिमम फॉर्म में मिनिमाइज कर लीजिए जितना आप उसको तोड़ सकते हैं। जैसे 3 से इसको मैं काट लेता हूं, 3 से 19 बार हो जाएगा, 3 से 40 बार हो जाएगा। दूसरी भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो 47 बटे 150 लिखा है, ये मिनिमाइज नहीं होगी, ये नहीं कटेगी क्योंकि 47 अभाज्य संख्या है।
तीसरी भिन्न की बात करता हूं, 61/110 लिखी है, ये भी नहीं कटेगी, 61 भी अभाज्य संख्या। और लास्ट वाली लिखी है 43/140, ये भी 43 भी अभाज्य संख्या। तो अब आप सिर्फ ये देखो, जिसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई डिजिट आपको हर में दिखती है तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव। मैं ये देख पा रहा हूं कि इसमें सिर्फ 2 और 5 ही दिख रहा है, सर इसमें हमें 3 दिख जाएगा। अगर 150 के आप गुणनखंड करते हैं तो 3 आएगा या नहीं आएगा, बोले सर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिएगा 140 की बात की जाए तो इसमें 7 दिख जाएगा, और 110 की बात की जाए तो इसमें 11 दिख जाएगा, दिखेगा, बोले हाँ सर। तो 2 और 5 सिर्फ किसमें दिख रहा है, बोले सर 2 और 5 तो सिर्फ 40 में दिख रहा है। इसका मतलब जो शांत दशमलव हमें निकालना था वो कौन सा होगा, 19/40, और 19/40 का मतलब 57/120। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने भिन्न अलग अलग करके आपको लिख के दिखा दिया, अदरवाइज आपको एक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका सवाल का जवाब होता कि सर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगले सवाल पर आते हैं, एक बार देख लीजिए, बताइए क्या होगा। फिर से पूछ रहा है कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव फिर से पूछ दिया है, तो हम लोग शांत दशमलव की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जो भी भिन्न दी है उसको जितना आप मिनिमाइज, जितना छोटा कर लेंगे सवाल उतना सरल हो जाएगा। जैसे पहली दी थी 9/45, तो ये 1/5 हो गई। दूसरी दी है 6/45, 3 से काटिए, 3 × 2 = 6, 3 से काट लीजिए 15। तीसरी है 3/45, तो 1/15 हो जाएगी। और चौथी दी हुई है 12/45, तो ऊपर 3 से काटने पर 4 आएगा और नीचे 15 आ जाएगा। क्लियर है, बोले हाँ सर। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको शांत दशमलव देखना है तो बताइए क्या करना होगा। सर मुझे नीचे 2 या 5 देखना होगा, तो सर इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, मतलब ये तीनों जो भिन्ने हैं ये शांत दशमलव नहीं हो सकती। तो कौन सी होगी, बोले सर 1/5। 1/5 का मतलब पहला ऑप्शन 9/45 सही जवाब होगा कि ये शांत दशमलव होगा, बाकी कोई भी शांत दशमलव नहीं होंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, आवर्ती दशमलव का उदाहरण पूछ रहा है। आवर्ती दशमलव मतलब अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव मतलब अशांत दशमलव। आप ये देखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था, क्योंकि इस बार भी लगातार हर एक शिफ्ट में इन प्रश्नों से, मतलब ये प्रश्न बने ही रहे हैं, 17 हो, अगस्त हो, 18 हो या फिर 22, सारे के सारे प्रश्न बन रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2018 का है, मैंने कहा ये 24/60 लिखा है। अब आपको ध्यान से देखते चलना, तो 24/60 को अगर हम मिनिमम फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 24/60 था, तो मैं इसको काट के मिनिमम फॉर्म में लिखता हूँ, 6 से काट लूंगा, बल्कि 12 से काट लीजिए, 12 × 2 = 24, 12×5 = 60। दूसरे पर आ जाइए, दूसरा है 24/90, तो मैं इसको 6 से काटता हूँ, 6 × 2 = 24, 6 से इसको काट लेते हैं 15 बार, तो 4/15। तीसरी आते हैं 24/120, यानी कि 1/5। और फिर मैं 24/30 पर आता हूँ, तो 6 × 2 = 24, 6×5 = 30। अब आप एक चीज को ध्यान से समझिए, आपने क्या पढ़ा है अशांत दशमलव निकालने के लिए, सर अगर 2, 5 या दोनों के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो अशांत दशमलव होगा। किसमें आ रही है, 2/5 में सिर्फ 5 आ रहा है हर में, तो ये शांत दशमलव होगा, मतलब नहीं आंसर है ये। 1/5 में 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। 4/5 में सिर्फ 5 है, ये आंसर नहीं। 4/15 में देखिए आप, 3 आएगा, और 3 आएगा तो इसका मतलब 4/15, यानी कि जो दूसरी भिन्न है ये हो जाएगी आपकी आवर्ती दशमलव, यानी कि अशांत दशमलव। तो ये आप लिख के करना चाहो तो लिख के कर लो, अदरवाइज यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछ रहा है साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी शांत दशमलव इसमें आपको नहीं चाहिए, आपको अशांत दशमलव चाहिए, क्योंकि कहा है शांत दशमलव नहीं होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। अशांत के लिए
जितनी भिन्न है जितना मिनिमाइज कर सकते हो कर लो। 27/480 लिखा है, मैं 3 से काटता हूँ, ऊपर 9 आएगा, नीचे 160 आएगा। समझ पा रहे हैं, 27/480 को 3 से काट के लिख दिया है। दूसरी भिन्न है 21/640, देखिए क्या कटेगी। बोले सर नहीं कटेगी, तो मैंने 21/640 को एज इट इज लिख दिया, नहीं टच किया। तीसरे पर आते हैं 81/450 लिखा है, 9 से काट सकते हो, 9 में 81 और 9 से इसको काटोगे 9 पने में 45। नेक्स्ट आते हैं 240/450, तो मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 8 24 और 3 से काट लेता हूँ 15 बार में, 8/15। 0 से 0 काटने के बाद जब आप इसे 3 से काटेंगे तो ऊपर 8 आएगा और नीचे 15 आएगा, क्लियर है। आपको चाहिए अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, जिसमें 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर देता हूं, तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसमें भी सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसमें भी 2 और 5 आएगा, तो ये तीनों शांत हो गए। बचा कौन सा, सर इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आएगा। आया 3? बोले आया सर। तो यहां पर अशांत दशमलव कौन सा होगा, बोले सर सबसे आखिरी वाली जो भिन्न होगी, यानी कि 240/450 जो होगा ये शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी कि अशांत दशमलव वाला जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, यस और नो? ठीक है, आइए अगले सवाल पर। देखिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, और अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या पूछ दिया है, सवाल पूछ दिया है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था, कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि 2 और 5 ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो 1/6, इसमें तो 3 आ गया, ये नहीं हो सकता। 17/25, इसमें 5 आ रहा है। 10/3, 3 आ गया है 2 और 5 के अलावा, और उसके बाद 1/11, 11 आ गया है। आपको क्या चाहिए था, सिर्फ 2 या 5? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 17/25 वो भिन्न होगी जो कि शांत दशमलव प्रसार होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखते ही चंद सेकंड में, 2 सेकंड में आप उत्तर बताने में सक्षम होंगे, यदि आप पूरे वीडियो में शुरुआत वाली ट्रिक को ध्यान से पढ़ते हैं, और उसको जरूर पढ़िएगा। कोई भी ऐसा सवाल हो शांत अशांत पर, आप बड़े आसानी से कर लोगे, और पेपर के लिए इस वक्त ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 644, समझिएगा ध्यान से क्या आपसे पूछ दिया गया, ठीक। 6/144 कहता है, 6/144 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे करता हूं 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24। यहां पर आपसे शांत दशमलव होगा ये पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद 12/44 है तो 1/12, 3/144 है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24। लास्ट वाले को डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 को 9 × 9 और नीचे करेंगे 16 × 9 = 144। अब शांत दशमलव प्रसार कब होता है, जब हर में, हर का जो हिसाब है वो या तो 2 का गुणनफल हो हर, या तो 5 का हो, या फिर 2 और 5 दोनों का हो। मतलब अगर 2 या 5 के अलावा कोई संख्या उसका गुणनफल होती है या उसका गुणज होती है तो वो शांत नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पर तो 3 आपको दिख रहा है, मतलब ये शांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, शांत नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, शांत नहीं हो सकता। इसमें 3 नहीं है, ये सिर्फ 2 से कटेगा। तो यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा, सर 1/16, यानी लास्ट वाला ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, और जो चीज़ आप सीख रहे हो ये आपके लिए कितनी फायदेमंद होगी। इस प्रकार की क्लासेस आपको कौन कौन से टॉपिक पर और चाहिए होती हैं, इस पर कमेंट करते रहिएगा। देखिए अगले सवाल पर आते हैं। शांत दशमलव पूछ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको इंग्लिश में भी कह देते हैं, ठीक। 1/32 है, 1/24 है, 1/96 है, 1/96 है, और लास्ट में 1/48 है। कैसे निकालेंगे,
अब डिवीजन वाले जमाने चले गए, अब हमें भाग करके नहीं देखना है। इस ट्रिक के बाद जो बच्चा इस ट्रिक को देख लेगा उसे कभी जीवन में शांत और अशांत दशमलव निकालने के लिए भाग करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब देखिए इसमें तीन आता है, मतलब ये अशांत दशमलव है, इसमें भी तीन आता है अशांत दशमलव, इसमें भी तीन आता है अशांत दशमलव है, इसमें तीन नहीं आता, यानी दो और पाँच के अलावा इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो ये होगा शांत दशमलव और यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए इसका परम सत्य उत्तर होना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पर आते हैं। अवसान दशमलव, अवसान दशमलव का मतलब समझते हैं, कभी कभी इस लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, तो अब आप एक क्वेश्चन का जवाब मेरे कहने से अभी दीजिए, आपको मैं समय दे देता हूं थोड़ा सा ताकि आप ये उत्तर दे पाओ। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आपको समय दे देते हैं, मात्र 20 से 30 सेकंड का, 20 सेकंड बहुत है, आप आंसर दो पहले देख लो। ठीक है, ये ध्यान से देखना, अवसान दशमलव होगा पूछ रहा है, ठीक, समय चालू है। चलिए, चलिए 25 सेकंड हो गए। अब एक चीज आपको बता दें कि अगर ये भाषा आपको नहीं पता है कि अवसान दशमलव किसे कहते हैं तो आप सवाल में शायद थोड़ा सा तकलीफ में आए, लेकिन वैसे आएंगे नहीं। अवसान दशमलव का मतलब होता है शांत दशमलव आपको निकालना है, मतलब जिसमें दशमलव के बाद जब डिवीजन कर रहे होते हैं, भाग दे रहे होते हैं, तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद आने वाले अंक एक स्थान के बाद रुक जाए, कट जाए पूरा पूरा भाग, उसे क्या कहते हैं, अवसान भी कहते हैं और शांत भी कहते हैं। तो बस अब इसी चीज का ध्यान रखना है, और इसी चीज का ध्यान रखते हुए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। 12/72 पहली भिन्न लिखी, 1/6 हो गया, 6/72 1/12 हो गया, 9/72 1/8 हो गया, और 3/72 1/24 हो गया। अब देखिए शांत दशमलव में सिर्फ क्या आना चाहिए, या तो दो आए, या तो पांच आए, या फिर दोनों आ जाए, तो इसमें तो तीन आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा, ये अशांत दशमलव होगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा क्योंकि तीन आ रहा है। इस 12 में भी तीन आ रहा है, शांत दशमलव नहीं होगा। 24 में भी तीन आता है, शांत दशमलव नहीं होगा। 8 में तीन नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, दो, तो यही होगा आपका शांत दशमलव, यानी कि अवसान दशमलव भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो जवाब होगा वो 1/8 यानी कि 9/72 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये देखिए आपका अगला सवाल, ध्यान से देखते चलिए, अच्छे से बताते चलिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, चाहिए रिकरिंग नंबर, आवर्ती दशमलव चाहिए, यानी अब किसकी जरूरत पड़ेगी। सर अगर दो या पांच के अलावा कुछ और आ जाए, आवर्ती दशमलव होगा, ठीक, तो आइए जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। 21/30 लिखा है, छोटा करके क्या लिखेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 30। उसके बाद आइए 21/120 लिखा है, 3 × 7 = 21 लिख देते हैं, यहां पर 21/120 लिखा है, 3 से काटिए, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 40 आएगा। उसके बाद 21/60 लिखा है, इसको छोटा कर लेते हैं, ऊपर काटिए, 3 से 7 आएगा, नीचे क्या आएगा, 3 से काटने पर 20 आएगा। और सबसे लास्ट में 21/90 लिखा है, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा। राइट, क्या आना चाहिए, दो और पांच के अलावा कुछ और आएगा तो आवर्ती दशमलव देगा। इस 10 में सिर्फ दो और पांच ही आएगा, ये नहीं हो सकता है आवर्ती दशमलव। 40 में दो और पांच आएगा, ये भी नहीं होगा। 20 में भी दो और पांच आएंगे, ये भी नहीं होगा। सर 30 में तीन आ जाएगा, तो इसका मतलब आवर्ती दशमलव के लिए आंसर कौन सा होगा, सबसे आखिरी वाली भिन्न, 7/30, जिसको हम लोग 21/90 कहेंगे। क्लियर है, और ये RRB ALP टेक्नीशियन की, यानी कि ALP की परीक्षाएं में भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, इसकी ट्रिक आपको मजेदार लगी होगी। ऐसे ही ट्रिक के वीडियो के साथ साथ मैं आपसे आगे भी मुलाकात करता रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी बच्चे कि आपको अगले टॉपिक पर सॉल्व ट्रिक के साथ किसका वीडियो चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।